भाई अभी इधर से जा रहा था और मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा, ये स्लैब बनी हुई थी और मैंने एक्टिवा घुसा दी। ओ आगे तक बड़ी मुश्किल से निकाली है, ये देखो देख सकते हो पूरे टायर बीच में धस गए थे, लेकिन एक्टिवा सही है। और भाई आधी रात को फेस को लगा हुआ है, भाई को तंग कर रहे हैं सामने। ओहे गेयर अप गाइस, मैं अमिताले मेहर आया मिट सभी भी सब टू यू विद न्यू वीडियो। सो गाइस आज मैं लगभग 3 वीक्स के बाद, मतलब पूरे मंथ के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, पहले डे कर रहा था उसके साथ नाइट भी कर रहा था, मतलब डबल शिफ्ट कर रहा था, डे नाइट डे नाइट डे नाइट। और अभी मैंने हेलमेट इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि अभी हम राइड कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी हम हिमाचल में हैं। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। सो फाइनली आज जाकर मुझे टाइम मिला है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जी अंकल जी जा रहे हैं। अंकल कैसे हो, ठीक हो? और ये देखो ट्रक जा रहा है भाई, कम से कम 5 की स्पीड होगी इसकी। बहुत ही तीखे तीखे मोड़ है, खतरनाक मोड़ है। भाई ड्राइवरी कोई आसान काम नहीं है ड्राइवरी करना, जैसे कि आप देख ही रहे हो सामने। रिस्क भी है, पैसा भी है, लेकिन रिस्क भी है। टाइम खराब किए, मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। A few moments later. पाठ पूजा पूरा हो चुका है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आया कहाँ पे हूँ। सो एक्चुअली मैं आया हूँ, मैं हिमाचल में गरली, जो कि अंब से आगे बढ़ता है, और इधर मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी। सो इधर मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी और उसको हुआ था बेबी। खुशखबरी है कि मैं मामू बन गया। और दूसरी बात कि हम नो गॉड प्लीज नो। और दूसरी बात, हमारा आना जरूरी था इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये है उनकी छत का व्यू यहाँ से, भाई इतना सीरियसली यार, इतनी मस्त वाला रिलैक्स फील हो रहा है ना यहाँ पे, इतना कहीं पे नहीं होता होगा। ये देख सकते हो आप, नीचे वो संगीत वगैरह कर रही हैं लेडीज़, आपको सुन ही रहा होगा। सो थोड़ी देर बाद जैसे ही फ्री होता है मैं सबसे पहले आपको बेबी को दिखाऊंगा। अगले वाले ब्लॉग में मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा इनकी सिटी के बारे में। यहाँ पे बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने घर हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे हिमाचली धाम चल रही है, हिमाचल का मज़ा आ रहा है पूरा। A few inches later. लेकिन बंदे ने वॉलेट गुम कर लिया है अपना, और अभी 20-25 किलोमीटर फिर बैक जाएंगे जहाँ पे हम सुसु करने रुके थे। एक जगह मैंने शॉट लिए थे, शायद वहाँ पे गिरा हो, सो चेक कर लेंगे। अगर मिल गया तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी देखो। और अभी फ़िलहाल बस हो रही है पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के, ऐसा है कुछ गर्ली, सीधी चोटियाँ हैं। और वो सामने है पालमपुर, शायद पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, वो चोटियाँ सारी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। हम जाएंगे कल उधर, शायद कल परसों। सो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं उस टाइम ढंग से आपको बता नहीं पाया, लगभग हमें 1 आवर लगा था दोबारा पीछे जाने में। 35 से 40 किलोमीटर के बीच था वो सफ़र, और हमें वॉलेट वहीं पे मिल गया था। सीरियसली यार, अंदाजे से गए थे हम, लेकिन हमें वॉलेट मिल गया था। और वॉलेट मिलने के बाद जो खुशी थी ना भाई, खुशी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे कैश पड़ा था उसमें, और 2 नंबर उसका, बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट्स थे,
जैसे एटीएम कार्ड हो गया वगैरह 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 सब कुछ उसी में था। सो वॉलेट गुम हो जाता तो यार आप समझ रहे हो ना, बैड बजती अच्छे वाली। सो हमें मिल गया था, उस चीज़ की बहुत खुशी है। और अभी ये मैं शॉर्ट ले रहा हूँ 1 मंथ बाद, मतलब ये वाली वीडियो मैं 1 मंथ बाद एडिट कर रहा हूँ, और मैं अभी आपको आज का मौसम दिखाता हूँ बाहर का। सो आज का वेदर कुछ ऐसा है, मैं अभी कंपनी में हूँ, पूरा वेदर बादल हो रखे हैं, बारिश वाला मौसम है, अप्रैल चल रहा है क्योंकि आगे गर्मी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जैसे कि आपको बोला था बंदे का पर्स गुम हुआ था, सीरियसली यार 35 किलोमीटर पीछे आए हैं। मैंने बोला था वहाँ पे पेशाब किया था वहीं पे होगा, बंदा भी बोल रहा था ये रहा। अभी इसके चेहरे पे मुस्कान देखो, सामने पड़ा हुआ है यार। सीरियसली गाइस, सीरियसली किस्मत की बात है भाई, मेहनत की कमाई थी मिल गया, इसमें बहुत सामान पड़ा था भाई। छह बंदों के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता, चाहे हम 35-40 किलोमीटर पीछे चल के आए हैं, फंक्शन छोड़ के आए हैं, लेकिन हमारा पर्स मिल गया। तो थैंक यू सो मच गॉड भाई, मुस्कान नहीं जा रही यार चेहरे से, नहीं तो बंदे का पूरा फंक्शन ही, जो 2-3 दिन हमने स्टे करना था ना, सारा ही खराब हो जाना था फंक्शन ही। सो यही था ब्लॉग, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। सो गाइस देखो कितना क्यूट सा पपी है, मजे ले रहा है पूरे। आर यू गुड ब्रो, आर यू गुड, पूरी मस्ती ले रहा है अभी।